मंगफी, स्वागत है सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में। आज अरुण भूमि की ओर मैं एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करेंगे जो कि शायद बहुत लोग को मालूम नहीं होगा हमारे कैपिटल में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट JCI। JCI स्टैंड फॉर जूनियर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल। ये एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 120 कंट्रीज में एक्टिव है, और ये एक ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और आज JCI वाले लोग ने DC ऑफिस में आया है ताकि कोविड की जो किट है उनसे डिलीवर कर सके, और साथ ही साथ टू ग्रो टुगेदर एंड टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आगे खुद देखिए रिपोर्ट को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। JCI एक ऐसे संस्था है जो मोर देन 140 कंट्रीज में प्रेजेंट है, और इंडिया में वी आर अबाउट 50,000 मेंबर्स, और नॉर्थ ईस्ट में वी आर अराउंड 1200 मेंबर्स, और अपना JCI ईटानगर रॉयल्स में वी आर 50 मेंबर्स। JCI इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच कॉन्सिस्ट ऑफ इन द एज ग्रुप बिटवीन 18-40 ईयर्स। और JCI का मिशन, द मिशन ऑफ JCI इज टू प्रोवाइड एम्पावरमेंट डेट क्रिएट्स डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। और इनका विजन ये है कि टू क्रिएट द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। जो एक्टिव सिटीजन्स हम लोग बोलते हैं, एक्टिव सिटीजन्स जो वो होते हैं जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जैसे ईटानगर आज यहाँ आए हैं अपने डायनेमिक DC सर को फेलिसिटेट करने के लिए। उनका जो योगदान रहा कोविड के समय में, उसके लिए हम लोग आज उनसे उनको फेलिसिटेट किया। उसके साथ हमने उनको आज हमारा जो स्पॉन्सर थे स्काई सिटी, जो हमारा BP ट्रेनिंग JCIM बगान, शी इज दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी स्काई सिटी, शी हैज़ टेकन द इनिशिएटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कोविड किट टू दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर मोर देन 100 फैमिलीज विल बी बेनिफिट थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। टू से दैट लाइक हम लोग ब्लड डोनेशन से शुरू किए थे हम लोग, एंड वी आर जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड। हम लोग 6 महीने ही ओल्ड है, और 6 महीने में हमने 2 बार हमने ब्लड डोनेशन किया, जहाँ पे हमने मोर देन 50 यूनिट्स कलेक्ट किया। हमने काफ़ी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, जैसे JCI जो है हम लोग 5 एरियाज में काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में काम करते हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं, हम बिजनेस में काम करते हैं, हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, हम लोग प्रोग्राम में काम करते हैं। तो ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग में हम लोग EPS होता है हमारा, हमारा स्पीच क्राफ्ट होता है, हमारा जो ट्रेनिंग होता है, हमारा जो मेंबर्स को ग्रूम करते हैं हम लोग, जैसे पर्सनल फाइनेंसेस हो गया। उसके बाद अगर आप बोले प्रोग्राम में हम लोग एक स्कूल को हमने अडॉप्ट किया है कोकिला में, इट्स ए गवर्नमेंट स्कूल, वेयर वी हैव इंस्टॉल्ड 1 ड्रिंकिंग वाटर RO सिस्टम विद कूलर। एक बोरिंग वेल हमने बनाया, हमने 5 टॉयलेट बनाया हमने, हमने और 2 क्लासरूम हमारा 60% कंप्लीशन में है। उसके बाद लाइक अगर आप बोले प्रोग्राम में हमने मास 1 मंथ डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें हमने डेली वेज अर्नर्स को मोर देन 200 डेली वेज अर्नर्स को हमने एसेंशियल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जिस उस समय जहाँ कंटेनमेंट एरिया था वहाँ पे हमने डोनेशन ड्राइव किए।
और हमारे साथ है स्काई सिटी जो आज के स्पॉन्सर जो किया गया है, उनका जो ओनर है यायर भगत, उनसे हम पूछताछ करते हैं। मैं आपका जो आज स्काई सिटी का अपना ब्रांड है, तो आज उसने कोविड का जो ठीक सकते हैं उसे, तो आप बता सकते हैं एग्जैक्टली स्काई सिटी का ठीक से आपका क्या रीज़न है और इससे क्या फ़ायदा होना है? एक्चुअली स्काई सिटी का जो विजन है इट इज़ वेरी सिंपल, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंड एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, दैट इज़ द ओनली विजन। सो बेसिकली वी हैव थ्री पिलर्स, जो वन है नॉलेज, सेकेंड इज रेडी स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, एंड थर्ड इज उनका मॉनिटरिंग। तो नंबर वन में नॉलेज में भी एक पर्टिकुलर वुमेन को वी गिव देम द नॉलेज ऑन हाउ टू बी योर ऑन बॉस, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड सेकेंड ऑफ ऑल रेडी स्ट्रक्चर में वी ऑलरेडी हैव अ रेडी स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस विच वी गिव टू अ वुमेन, जो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं इवन इफ दे डोंट नो अबाउट बिजनेस एनीथिंग अबाउट बिजनेस। एंड थर्ड इज उनको मॉनिटर करना, सो वी टेल देम एग्जैक्टली हाउ एंड वेन टू डू, कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। सो वी हैव इनको दिस थ्री पिलर्स को वी कैन अचीव बाया थ्री रूल्स। तो उसमें नंबर वन है रिटेलर्स, स्काई सिटी रिटेलर्स। तो स्काई सिटी रिटेल में ये होता है कि वट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग ए स्काई सिटी का फ्रेंचाइज रिटेल इन अरुणाचल में एंड बियॉन्ड में। तो उसमें बेसिकली एक रेडी प्लेटफॉर्म क्रिएट करके एक वुमेन को दिया जाएगा, जिन जिनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने होना चाहता है तो उनको दिया जाएगा। तो वो जो स्टोर्स होगा इट विल बी क्यूरेटेड ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ग्लोबली एंड लोकली, जो ब्रांड्स है उनका कम्बिनेशन होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज आवर टीम विल बी डीलिंग फाइनेंस, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, सोर्सिंग, प्राइसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, नेगोशिएशन, एवरीथिंग हम लोग का टीम उनको करेगा। एंड सो दैट जो पर्टिकुलर वुमेन है दैट वुमेन कैन ओनली फोकस ऑन देयर कस्टमर्स, सो दैट इज़ आवर मेन विजन फॉर वुमेन, सो दैट दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो एनी वुमेन आउट हियर अरुणाचल में आज हम देखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेटा इफ यू सी देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन हु स्टडी आउटसाइड आउट स्टेट में पढ़ता है, बट देन व्हेन दे कम बैक वी आर ऑल जॉबलेस, वी डोंट डू एनीथिंग, वी आर हाईली क्वालिफाइड बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। Even if we have money, we are financially not educated because those things are not being taught in school. So what I believe ki whatever the opportunity I have jo humko mila hai, I can grow with my sisters along together with the society. So anybody wants to be financially independent, you can go to our website www.skycity.in. You can go there, you can go to start your own business, and you can just click and you can check ki kaun sa business aapko karna hai. That's it. It's just one step away, one button, that's it. Thank you so much, ma'am. इसी की बात है, आज का दिन मुझे जूनियर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल के मेंबर लोग आए और मुझे फेलिसिटेशन किया और बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे और भी खुशी मिला और सभी के लिए खुशी की बात है कि ये जूनियर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल जो है ईटानगर में उन लोग का बहुत सोशल काम कर रहा है। और मुझे अभी जानकारी दिया है कि पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को भी उन लोग गोदी लिया है, उसको बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने के लिए कोशिश जारी है। मैं और सभी के लिए खुशी की बात है कि ये जूनियर चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल जो है ईटानगर में उन लोग का बहुत सोशल काम कर रहा है। और मुझे अभी जानकारी दिया है कि पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को भी उन लोग गोदी लिया है, उसको बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने के लिए कोशिश जारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उन लोगों को बहुत अप्रिसिएशन देता हूं। और इस समय ये लोग यहाँ और भी एक कंट्रीब्यूशन या डोनेशन जो दे के जा रहा है स्काई सिटी की तरफ से, और ये स्काई सिटी जो है एक यंग लेडी जो है अपना पढ़ाई लिखाई करके हमारा समाज में बिजनेस खास करके वुमेन
फोर्ड के लिए कोशिश कर रहा है और पता चला है कि उनका कोशिश सक्सेसफुल हो रहा है और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में उनका ये ब्रांच खुला है। और आप लोग भी जितने भी इस चैनल को देख रहा है, जितने भी यंग लेडीज़ वीमेन जो लोग अपने पाँव पे करी होना चाहती है, वो सभी उनसे जुड़ सकता है और बिजनेस ही नहीं उनसे आइडिया शेयर कर सकता है और उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने के लिए समाज में अपना पाँव में खड़ा करने के लिए कोशिश करने से अच्छा है। मेरा रिक्वेस्ट उन सभी व्यूअर्स को है जो इस चैनल को देख रहा है और बाद में भी जो देखेगा। और आज जो भी मेंबर्स आज मेरा पास आया है इस जूनियर चैम्बर्स ऑफ इंटरनेशनल का, उन सभी को जितने भी आप लोग अच्छा काम कर रहा है, हमारा सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यूथ है खास करके, वो लोग आगे बढ़ना है और आप लोग भी अपना ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों का जैसे बना के समाज को सेवा करना है और समाज को सेवा में ही आपको खुशी का बातें होते हैं और लाइफ अच्छा होगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।